हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज हम स्टार्ट करेंगे जन्माष्टमी का व्लॉग। कल है जन्माष्टमी, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। तो मैं कल का ही, मतलब मेरे को शुरू से बता था कि 19 को है, बट आरव के स्कूल में 18 की छुट्टी है। तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला था, तो आप लोग भी बोल रहे थे कि 19 की है। तो आई डोंट नो छुट्टी क्यों 18 की दी है। काफ़ी लोगों की छुट्टी जिनकी होनी है ना जन्माष्टमी की, वो 18 की है, रीज़न मुझे नहीं मालूम है। एनीवेज, तो आज मेरा प्लान है फोटोशूट करने का रात शाम को, यश का और आरव का। यश का और आरव का फोटोशूट करेंगे आज हम। तो मैंने सुबह से उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो मैंने क्या किया है, रात का डिनर वगैरह अभी एडवांस में प्रिपेयर कर लिया। कैसे कि मैंने इन लोगों के लिए अरबी की सब्जी बनाई है। अरबी मैं खाती नहीं हूँ, और साथ में मैंने भिंडी की मसाला भिंडी सब्जी बना ली है। तो अभी मैं भिंडी खा लूँगी, रात में मैं भिंडी खा लूँगी, ये लोग अरबी खा लेंगे। साथ में सूप की भी तैयारी कर दी है, तो सूप भी बन जाएगा, मतलब ऑल हाफ डन कर लिया है। टाइम मिलेगा तो इवनिंग में बना लूँगी, नहीं तो नाइट में सूप बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सूप की भी तैयारी हो गई है, ठीक है। आरव नहा लिया है, यश का नहाना अभी बाकी है, तो उसको भी नहला दूंगी मैं। और लंच कर लेंगे। सामान सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है फोटोशूट के लिए, जो भी कुछ रिक्वायर्ड है वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया है मैंने। तो सिर्फ फोटोशूट वाला जो हिस्सा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि बहुत ही मज़ेदार लगे आप लोगों को। तो अच्छे अच्छे पार्ट्स जो भी होंगे वो सब कुछ मैं कैप्चर करूंगी। तो ये है मेरी लंच की थाली, जिसमें मसाला भिंडी है और दही है, रोटी है, सैलड है, और ये है अरबी वाली प्लेट। इसमें अरबी है और दही है और रोटी है और सैलड है। तो ये रहेगा आज हम लोगों का लंच, और यही ऑलमोस्ट रहेगा डिनर विथ सूप। सूप भी रहेगा डिनर में। तो चलिए फिर, अब मैं शाम को मिलती हूँ आपको फ़ोटोशूट के दौरान। और ये देखिए मेरे उसका गुलाब, मेरे गार्डन का, जो मैंने आरव को उसके बर्थडे पे दिया था। यस, और बर्थडे व्लॉग अभी आना बाकी है। वो अभी मैंने एडिट नहीं किया, वो मैं बाद में एडिट करूँगी। गाइज, अभी अभी ये लाइट सही हुई है, ये उन लोगों ने कुछ वायर वगैरह कट किया, तो उसके मार्क्स हैं, गद्दा उन्होंने ऐसे कर दिया है। और ये लाइट फाइनली अब ठीक हो चुकी है। तो आज मैंने प्लान किया था फोटोशूट के लिए, तो उसके लिए ये लाइट एंड ये लाइट मिलके हेल्प करेंगी। यहाँ पर हम कुछ सेटअप करेंगे, अभी मैंने सोचा नहीं है क्या है। चलो खाना खाओ। हाय दोस्तों, तो अभी मैंने वीडियो शूट किया है। ये देखिए कितना मैस है यहाँ पर। यहाँ पर तो मैंने अपने प्रेगलाइज चैनल के लिए वीडियो शूट किया है, यहाँ रख देती हूँ। अब मुझे लग रहा है मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अभी टाइम हो रहा है कितना, 4:15, मतलब ऐसे ही 4:30 इसमें हो रहा है, 10 मिनट आगे है तो 4:20 ऐसा कुछ हो रहा है। और ये मेरी मेडिसिन, क्या हुआ मुझे, कोल्ड ऑफ कोर्स, बच्चे को कोल्ड हुआ तो मुझे तो होना ही था। तो मुझे कल से ही कोल्ड जैसा फील हो रहा है, तो कल से मैं मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी, बट मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। तो कल मैं गई थी हॉस्पिटल लेकर के आई हूँ, तो ये है। अब मैं दवाई लूँगी और अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद ये सब समेटा समेटी करूँगी। अभी नहीं, अब आज मैंने वीडियो भी कर लिया और मुझे अब करना है फ़ोटोशूट। तो देखो मैं आज क्या कर पाती हूँ। वैसे आज मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया है अकेले, मुझे खुद भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे ऐसा होता है ना, अगर आप ज़्यादा काम कर लो ना तो आपको खुद भी अच्छा लगता है, ऐसा थकावट कम महसूस होती है और अच्छा ज़्यादा लगता है। तो अब मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, अभी कुछ भरोसा नहीं, दवाई खाने के बाद हो सकता है कि मैं ये पहले क्लीन करूँ और रेस्ट करूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यश भी सो रहा है, आरव भी सो रहा है, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। फिर जब आरव उठेगा तब फिर मैं, मतलब यश जब उठेगा तब फिर उसके बाद क्लीन करूँगी, ऐसा सोच रही हूँ। क्योंकि अब वो थोड़ी देर में उठेगा ही, इससे ज़्यादा नहीं, वो 1 घंटे से ज़्यादा क्या ही सोता है, तो उसकी आँखें हल्की हल्की हो रही है, तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ। चलो मैं जाती हूँ फटाफट से दवाई खाने, एंड देन फिर बाद में आपसे मिलती हूँ शाम को फोटोशूट के टाइम पर। सो गाइज, यहाँ पर हमारी फ़ोटोशूट की तैयारी चल रही है, और मैं आपको सामान दिखाती हूँ। सामान में हमारे पास ये बांसुरी है, मुकुट है, एक छोटा मुकुट है जो यश को लगा देंगे, और बड़ा मुकुट हम आरव को लगा देंगे। और ये है, शायद मैं देखो अभी कैसे यूज़ करती हूँ, गले वले में बांधूंगी, कुछ कुछ करूँगी। और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं और भी, ये सब है, माला वाला है, ज्वेलरी वगैरह जो भी है। और इससे ये 3-4 आइटम है जो हम इसकी धोती वोती बांधने के लिए आरव को और यश को, इनमें से कुछ कुछ तैयारी करेंगे। अच्छा, मैं इधर देख रही हूँ, कैमरे में देख ही नहीं रही हूँ कि क्या क्या कैप्चर हो रहा है। और ये हम बेडशीट है जो उसके ऊपर बिछाएंगे ताकि बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा है। और ये देखिए, इन्होंने अच्छा सा डेकोरेट कर दिया है, डेकोरेटर ने। हाय डेकोरेटर, हाय पार्टिसिपेंट्स। और ये देखो, हम लोगों ने सारा यहाँ का जो भी कुछ सामान था वो हमने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर और आज यश को देखो। चलो
तो यहाँ पर आरव जो है ना वो थोड़ा गुस्सा हो गया है, क्योंकि उसको कैमरे से फ़ोटो खींचनी है। उसकी आजकल ना ऐसी ऐसी डिमांड्स काफ़ी होती जाती हैं, और जैसे कैमरे से ये फ़ोटो खींचने लगे तो देखिए कितने अच्छे से पोज कर रहा है। तो ये इसका मतलब नौटंकी जो बोल सकते हैं ना, बच्चों की ड्रामा जो वो है वो चलता रहता है। और यश भी कम नहीं है, वो भी आजकल ना रिस्पॉन्ड करने लगा है, तो आरव के साथ बहुत अच्छे से खेलता है। आरव उसको तेज से भी अगर उसका मुंह हाथ कुछ दबा दे तो रोता नहीं है आजकल वो, और हम लोग हल्का सा भी उसे वो कर दें कि छोड़ दें या कुछ कर दें तो रोने लग जाता है। मतलब वो धीरे धीरे जैसे 3 मंथ्स टच करेगा, मुझे लगता है कि आरव के साथ में वो टीम बनाने लग जाएगा। तो यहाँ पर ना मैं उसको धोती पहना रही हूँ, ये स्कार्फ है मेरा जो मैंने ना आरव के टाइम पे ख़रीदा था, कि मतलब हॉस्पिटल वगैरह में लगाने के लिए। तो ये हॉस्पिटल में तो यूज़ नहीं हुआ था, बट आरव को भी जब फर्स्ट कृष्णा बनाया था ना तब उसकी कमर में बांधा था, और यश का भी फर्स्ट कृष्णा बन रहा है वो, तो उसके लिए मैं धोती यहाँ पर उसको पहना रही हूँ। बट इतना आसान नहीं था, बार बार वो हाथ पैर चलाता है ना, तो लेकिन जैसे तैसे मैंने उसको रेडी किया और उसके बाद फोटोशूट किया। बहुत अच्छा तो नहीं हुआ बट फिर भी काफ़ी अच्छा हो गया। हाय गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं, फोटोशूट हमने कर लिया है जो भी करना था, और सिर्फ यश ने ही फोटोशूट करवाया। आरव बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने उसको फोर्स नहीं किया। जिसका जो मन हो वो उस हिसाब से करे। यश ने भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉपरेट तो किया, बट वो भी बहुत छोटा है, तो मैंने ज़्यादा उसको भी स्ट्रेस नहीं दिया। जितना इजी वे में हो पाया मैंने उतना किया है। फोटोज़ वगैरह मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी, तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, वहाँ पर बहुत सारी इसी तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह मैं वहाँ पर अपडेट कर देती हूँ, बिकॉज़ यूट्यूब पर तो वीडियो जाता ही, और रील्स भी मैं वहाँ पर ही शेयर कर दूँगी। और दूध अभी आ चुका है, कल क्योंकि पूजा है तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दूध इवनिंग में मंगा लिया था, तो वही मैं गर्म कर रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से पहले सूप बनाऊंगी। ये है मेरा सूप का मिक्सचर। तो सूप आज बन रहा है टमेटो कैरेट का सूप, और आटा मैंने निकाल लिया, रोटियां सेकनी है, तो सब्जी वगैरह तो मैंने सुबह बनाई रखी थी। तो ना ये मैंने थोड़ा सा पीस रखा था, और अच्छा फाइन पेस्ट करने के लिए मैंने दोबारा चलाया ग्राइंडर ना, तो एकदम से जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था ना सूप, तो थोड़ा सा उछल के बाहर आ गया, और जल्दी जल्दी का काम जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो गया। ऐसा होता ही है, जब आप हर काम को ऐसा सोचो जल्दी जल्दी कर लूँगी तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम बढ़ता ही है, और यहाँ पर मेरा काम बढ़ गया कि ये तो कहो बहुत थोड़ा सा ही ये सूप जो है इस तरीके से बिखरा है, इसको मैं पोंछ दूँगी, अदरवाइज और भी फैल सकता था। इसलिए मुझे बहुत डर लगता है ज़्यादा सामान ग्राइंडर में पीसने में, तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रेफर करती हूँ, बट सूप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, अंदाज़ा नहीं था मुझे। तो यहाँ जल्दी जल्दी से मैं पूरा वाइप कर दूँगी हल्के हल, नहीं तो ना यहाँ पर एक तो बारिश का मौसम है तो तुरंत फंगस जैसा जमने लगता है अगर थोड़ा भी रह गया तो। 2-3 बार अच्छे से वाइप करने के बाद ही सही रहता है। और साथ के साथ जब मैं वाइप कर ही रही थी तो मैंने सोचा मिक्सी को भी अच्छे से पोंछ करके एंड देन फिर ऊपर रख दूँ। मिक्सी पे बहुत ज़्यादा नहीं फैला था बट फिर भी मैंने कहा चलो अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ सूप बनाने के लिए। सबसे पहले सूप बॉईल होने के लिए चढ़ा दूंगी, जब तक सूप रेडी होगा एक साइड में, और दूसरी साइड में मैं अपनी रोटी वोटी का काम कर लूँगी, बिकॉज इसी तरीके से मल्टीटास्किंग करूँगी तभी मेरा काम हो पाएगा, बिकॉज काम अभी बहुत सारे हैं। डिनर करना है, डिनर के बाद मुझे थोड़ा सा रूम वगैरह क्लीन करना है, कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं, और एक लॉट मशीन का मैं सोचूँ कि लगा ही दूँ, बिकॉज कल पूजा वगैरह रहेगी तो फिर मैं ज़्यादा काम नहीं इस तरीके का कर पाऊँगी। तो इसीलिए जो ज़रूरी काम है वो मैं आज शाम को ही रात तक में ही थोड़ा सा निपटा लूँगी। तो आज काफ़ी लेट तक काम करती रही, अराउंड 12 बज गए थे मुझे सारे काम करके बेड पे जाने में। यश को तो मैंने बेड पे लेटा दिया था, सुला दिया था, लेकिन मैं जो अपना बोलूँ तो मैं 12 बजे लेटने गई, उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा काम किया, रील वील जो भी था मेरे को बनाना था, तो मैं काफ़ी लेट सोई, क्योंकि सुबह ना मैं जल्दी आजकल नहीं उठ पाती, और अगर नहीं उठ पाई काम नहीं हो पाया तो चल नहीं पाएगा, तो इसीलिए मैं रात में सारे काम करके सोई कि अगर सुबह लेट भी उठूँगी तो चल जाएगा। और लेट क्या, स्कूल जाना है और पापा को ऑफिस जाना है तो उठना ही है, बट जो भी इम्पॉर्टेंट काम है वो उस टाइम पे किए जाएंगे, और जो इस टाइप के एक्स्ट्रा काम है ये मैं अभी रात में करके ही सोऊंगी। तो सूप जो है ना वो मैंने अच्छे से बॉयल होने के रख दिया, काफ़ी थिक पेस्ट बना था, मैंने ना 6-8 टमाटर और 3-4 गाजर मिला करके और बनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई थी, और बहुत टेस्टी सूप बन रहा है यार, मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं तुरंत के तुरंत ही ग्राइंडर जो है ना वो साफ़ करके रख देती हूँ, इससे क्या होता है एक तो स्मेल भी नहीं उसमें डेवलप होती है, और
सूखता नहीं है, मुझे ना बड़ी ही गंदगी होती है, जो सूखा वो गंदा रहता है ना उसको देख कर की काफ़ी एलर्जी सी होने लगती है, तो इसीलिए मैं तुरंत के तुरंत कर देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और साथ में ही मैं यश को भी देख रही हूँ, वो अपना रोना या आवाज़ कुछ देता है तो मैं उससे बीच बीच में बातें करती रहती हूँ। और दूध भी मेरा जो है वो भी गर्म हो गया, तो मुझे अभी दही भी जमाना पड़ेगा क्योंकि कल दही की भी ज़रूरत पड़ेगी। और कल ही मैं मक्खन भी निकालूंगी प्रसाद के लिए, आज मैं नहीं निकाल रही हूँ तो कल सुबह फिर मैं मक्खन भी निकाल लूँगी। तो अब ना जो दही मुझे जमाना है ना उसके लिए मैं फ्रिज से थोड़ा सा दही निकाल करके रख दूंगी ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और खाना वगैरह जब हम खा लेंगे तब तक ये आ ही जाएगा रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद मैं इस पर दही जमाऊंगी तो दही अच्छे से जमेगा। ठंडे में गर्म दूध डाल करके दही कभी अच्छा जमता है कभी नहीं, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और साथ में सूप भी थोड़ा सा टेस्ट कर ले रही हूँ कि नमक वगैरह सही है कि नहीं, तो नमक एकदम सही था तो फिर मैंने ऐड नहीं किया, और बहुत ही टेस्टी और स्वीटर साइड में सूप जो है ना वो अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और मैंने वो पतीला भी अभी आरव लेकर के गया, मैंने बोला आगे रूम में इसको रख दो क्योंकि सुबह दूध वाले भैया आएंगे तो तुरंत ले लेंगे, हम ढूंढना करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये छोटे छोटे काम है ना जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ना ये ज्वार का आटा है मेरे पास बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी एक रोटी बना लेते तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, और मेरे को एक रोटी के लिए आटा थोड़ा कम भी पड़ रहा था तो दोबारा से पूरा लगाने से मैंने सोचा यही कर लेती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा गेहूँ का आटा भी मिक्स कर लिया था ताकि एक अच्छी रोटी बन पाए, और नमक और अजवाइन मैंने इसमें डाल दिया था ताकि टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा बन पाए, अच्छा लगेगा ये। और इसमें ना गर्म पानी डाल करके आटा लगाते हैं, बट पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, माइक्रोवेव में मैंने रख दिया था तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ उसके बाद फिर इसकी रोटी बनाती हूँ। तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ये ना आपस में आटे जैसा बनने लग गया था, और ज्वार की रोटी बहुत एक तो टेस्टी भी लगती है और दूसरा बहुत ही हेल्दी रहती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल कि कभी ज्वार या फिर बाजरा या रागी इन सब की रोटियाँ कभी कभी खाऊं। अभी जैसे बिजीनेस है तो नहीं बन पाती है, अगर फ्री है थोड़ा सा टाइम है तो फिर बना लेती हूँ। तो इस तरीके से करके अभी धीरे धीरे मैं इसको अपने डाइट में जो है वो शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है, तो वेट लॉस वगैरह अगर आपको करना है और प्लस हेल्दी खाना भी खाना है तो आप इन सारे आटों पर स्विच कर सकते हो, अच्छा रहता है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर बना रही हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो गर्म पानी से अगर आप आटा लगाते हैं ना तो अच्छे से बन जाता है, और थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर दो तो बेलना करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो और ये थोड़ी मोटी बनती है, एकदम पतली रोटी अच्छी भी नहीं लगती और ये बनती भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बेलन लगा के थोड़ा सा मैंने हाथ से रोल कर लिया, थोड़ा सा मैं बेलन से रोल कर लूँगी, और बस एक ही रोटी बनानी थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अदरवाइज़ ये वाली रोटियाँ सेकने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट आप नॉर्मल रोटी से कम ही क्वान्टिटीज़ को खा पाते हो। तो ये देखिए मेरी रोटी अच्छे से करके तैयार हो गई और थोड़ी सफ़ेद लगती है ज्वार वाली जो रोटी होती है। तो अब मैं इसको तवे पे धीमी आंच पे, लास्ट रोटी थी मेरी ये, तो मैं इसको लगा दूंगी सिकने के लिए। जब तक ये सिकेगा तब तक वहाँ का जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग है वो मैं करती चलूँगी। अच्छा, आप लोगों ने जन्माष्टमी कब की, वैसे तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था तो सारे मतलब मेजॉरिटी लोगों ने बताया कि 19 को ही कर रहे हैं, बट कुछ लोगों ने 18 को भी की थी। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि 18 को क्यों कर रहे हैं और 19 को, मतलब दो दो डेट क्यों पड़ी है, मुझे इसका रीज़न पता नहीं है। तो अगर आपको पता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो अब मैं फटाफट से जो ये सामने की ही क्लीनिंग थी वो सब कर लूँगी ताकि किचन जो है वो सुबह मुझे अच्छा मिले। सुबह लंच वगैरह भी आरव के लिए स्कूल का मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा, इनका चाय वगैरह इनको भी बना के देनी पड़ेगी। तो ये बेसिक सी क्लीनिंग करूँगी, पूरा डीप क्लीन मैं नहीं करने वाली हूँ बिकॉज टाइम भी नहीं है और अभी तो रिक्वायरमेंट भी नहीं, बस काम चला हो जाए क्योंकि सुबह तो मुझे अच्छे से क्लीन करके प्रसाद वगैरह बनाना ही है। तो इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करने वाली हूँ। तो आरव के लिए मैं यहाँ पर प्लेट लगा दूँगी, और अरबी की सब्ज़ी उसकी इतनी ज़्यादा फेवरेट है कि वो मतलब 5-6 चक्कर अभी तक लगा चुका था कि मम्मी मुझे अरबी खाने का बहुत मन कर रहा है। और आजकल वो क्या बोलता है कि मैंने कभी अरबी खाई नहीं है मम्मी, बहुत मन कर रहा है खाने का। मतलब ये बच्चों, मेरे ख्याल से हर बच्चे ऐसा करते ही हैं कि जो जो चीज़ उनको बहुत मन करती है ना तो वो ऐसे बोलते हैं सामने मम्मी से या जो भी लोग हैं उनसे कि हमने कभी नहीं खाया, ताकि वो उनको ज़्यादा दे, ऐसा वो सोचते हैं शायद। तो आजकल आरव हर बात पे जो उसको पसंद होता है वो ऐसे ही करता है। तो मैंने उसका खाना लगा करके उसको दे दिया है कि तुम जाओ खाओ, मैं आ रही हूँ। और ये रोटी देखिए मेरी इसी तरीके से ये सिकती है, बहुत ज़्यादा फूलती नहीं है और बहुत ज़्यादा यू नो उसको सेकना पड़ता है धीरे धीरे करके ताकि अच्छे से अंदर तक कुक हो और थोड़ी क्रिस्पी रहती है। गरम गरम घी लगा करके खाओ या बटर लगा के खाओ ना तो बहुत मज़ा आता है। वैसे ठंडी भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाय वाय के साथ में अच्छी लगती है। तो बस मैंने रोटियाँ सेक ली है और जो भी थोड़े बड़े बर्तन थे ना उनको फैला दिया सूखने के लिए, और अब मैं यहाँ पर सूप सर्व कर लूँगी, खाने की प्लेट लगा लूँगी और पहले हम लोग खाना खाएँगे। और आज हम लोग ना वो
कॉमेडी क्या आता है प्रोग्राम जो कपिल शर्मा शो की जगह एक कॉमेडी प्रोग्राम आया ना, नाम मुझे याद नहीं है, कॉमेडी सर्कस टाइप का आता है जो, वो हम लोग आजकल एक दो दिन से ही देखना शुरू किया। पहले तो हमें बोरिंग लगता था, बट उसमें कुछ एक्ट्स जो है ना वो हमें काफ़ी पसंद आए, तो आजकल हम वही देख रहे हैं। खा रही थी और हम लोग टीवी पे वो शो देख रहे थे जो कॉमेडी वाला आजकल आता है ना, कपिल की जगह पे जो आने लगा है, तो उसमें एक चाय का एपिसोड आने लगा, चाय के ऊपर वो लोग कॉमेडी कर रहे थे और मेरा चाय भी नहीं, इतना मन करने लगा कि मैंने खाना बीच में स्टॉप कर दिया। और ज्वार की रोटी बड़ी ही टेस्टी बनी है, नमक अजवाइन डाल करके जो मैंने बनाई है, तो मैं यहाँ पर आ गई वैसे चाय बनाने के लिए, और मैंने सूप ऊप नहीं किया, मन नहीं कर रहा था। तो ये देखो रोटी सब्जी मैंने खा ली है, थोड़ी सी ज्वार की रोटी रखी हुई है और नमकीन ले ली मैंने, और ये मैं लूँगी चाय के साथ। तो ऐसा वियर्ड सा भी कभी कभी होता है। तो आज ना जब मैंने खाना सर्व किया, नॉर्मली यश जो है ना खाना लगाते ही उठ जाता है और फिर मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, बट आज ऐसा नहीं हुआ था। आज यश जो है वो तुरंत ही सोया था और उसके बाद मैंने खाना लगाया था, तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैंने खाना खा सकूँ, बट मैं भी कम नहीं हूँ ना मेरे को चाय की क्रेविंग होने लगी। वो प्रोग्राम देख रहे थे उसमें चाय की बात हुई और मेरा मन करने लग गया। आजकल मुझे चाय पीने की पता नहीं क्या, मतलब आजकल बहुत क्रेविंग होती है, बड़ा मन करता रहता है दिन भर। एक तो मौसम भी ठंडा है और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने भी बोला कि ठीक है आज बना लो, नॉर्मली मना कर देते हैं, तो अकेले के लिए मैं बनाती नहीं हूँ, बट आज इन्होंने बोला तो मैं चाय बनाने चली गई। और चाय बना करके जब आई तो यश उठ चुका था, बट फिर भी समहाउ मैंने मैनेज किया और आराम से ही अपना चाय और वो ज्वार वाली रोटी और नमकीन लेकर के मैंने खा लिया था। उसके बाद मैंने ना मशीन लगा दी, जब तक मशीन 2 घंटे लगता तब तक फिर मैंने बैठ करके यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर लिए, यश को फीड वीड करा दिया, उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, तो ये उसको रेडी कर दिया सुलाने के लिए, क्योंकि रात में कपड़े चेंज कर दो तो अच्छे से वो सो जाता है। और तब तक देखिए मेरी मशीन जो है वो भी, ये सेकेंड स्पिन है, मैं ये 2 या 3 स्पिन लगा देती हूँ ताकि कपड़े थोड़े एक्स्ट्रा सूख जाएँ। स्टिल जब कपड़े स्टैंड पर डालो तो 2 दिन तो कम से कम लगते हैं, उसके बाद भी ना सच कहूँ तो मुझे संतुष्टि नहीं होती कि कपड़े पता नहीं सूखे हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि मौसम ठंडा है तो कपड़े ठंडे ठंडे से लगते हैं और कन्फ्यूजन होता है कि कपड़े सूखे हैं या नहीं सूखे हैं। तो 2 दिन हो जाते हैं तो मैं मान के चलती हूँ कि कपड़े सूख ही गए होंगे, इतने पतले और वैसे रहते हैं, एक्स्ट्रा स्पिन भी मैंने करा दिया है, तो मैं मान के चलती हूँ कि ये यू नो सूख गए हैं। तो उनको फिर फोल्ड वोल्ड कर दिया था मैंने और जगह आज हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब 1 राउंड और लगा देती हूँ। और अभी 2 राउंड और, मतलब कपड़े तो ऐसे ना कि डेली 1 राउंड बन ही जाता है, अब 2 दिन पे 1 दिन मशीन लग रही है, तो फिर आप समझ ही लो कि एक्स्ट्रा कपड़े भी, बेडशीट वगैरह बाकी है। अब मेरे को टेंशन हो रही कि उसको कैसे धोऊं, उसको कैसे सुखाऊं, बिकॉज एक बेडशीट तो सूख जाएगी, बट यहाँ पर मेरे पास अभी 3 बेडशीट्स कम से कम हो चुकी हैं जिनको कि मुझे धोना है, तो कल तो मैं डेफिनेटली रात में फिर धो ही दूँगी, तो रात में ही धो दूंगी ताकि रात भर में थोड़ा सा सूखेंगे और सुबह थोड़ा कम मैस होगा, कम टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए। तो मैंने सारे कपड़े स्टैंड पे डाल दिए हैं और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर दही सेट करने के लिए रख दूंगी। दूध गर्म ही हुआ था तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने आज सुबह तो अपना दूध और हर्बल मिक्स जो मैं लेती हूँ वो नहीं लिया, बिकॉज सुबह चाय नाश्ता हो गया था तो मैंने वही गर्म गर्म कर लिया था, तो उसके बाद वो स्किप हो गया दिन में, तो अभी मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो अभी ले लेते हैं। तो वही दूध जो गर्म किया था तो मैं अपने लिए भी दूध निकाल लूँगी और थोड़ा सा हर्बल मिक्स लेकर के वो भी खाऊँगी। सूप थोड़ा सा बच गया था तो उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया, तो कल या परसों में वो भी खत्म हो जाएगा। और अभी ना घर थोड़ा मैस पड़ा हुआ है, जो मैंने वीडियो का बनाया था उसका जो भी सामान वगैरह था वो मैंने अभी जगह पे नहीं रखा है, क्योंकि ना वो छोटे छोटे सामान है अलग अलग जगहों पर रखना है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने कहा पहले डिनर वगैरह टाइम से, मेरा कंसर्न जो रहता है ना कि डिनर टाइम से हो जाए, खाने पीने का टाइम से हो जाए, आरव और यश का काम टाइम से हो जाए, बाकी की ये चीज़ें अगर टाइम से हो जाए तो ठीक है, लेट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो भी ठीक है, तो मैं इस प्रायोरिटी के हिसाब से काम करती हूँ। तो अभी बस ये सब काम करूँगी, उसके बाद बैठ के तसल्ली से दूध भी पीऊँगी, तो रात में मुझे भूख भी नहीं लगेगी। तो बस हल्का सा मैं वाइप ऑफ भी कर दूँगी और ज़्यादा मैं इसमें डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़े बहुत ही बर्तन जो बाकी हैं ये सुबह कंज्यूम होने वाले हैं, तो मैंने इनको अलमारी में नहीं रखा ताकि टाइम ज़्यादा मेरा वेस्ट ना हो। आज का कॉमेंट ऑफ द डे गोज़ टू आदर्श दीप जी, जिन्होंने बहुत ही प्यारा सा कॉमेंट किया है। तो आप इसी तरीके से वीडियोज़ देखते रहिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।
तो यही था मेरा बिजी एंड प्रोडक्टिव रूटीन। सुबह मैं 7:30 या 7:15 के करीब उठी थी, रात में 1 बजे मैं सोई हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे थकावट बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस हो रही थी कि मैं इतना काम अच्छे से कर पाई, अपने घर को मैनेज कर पाई। तो अगर आपको भी इस ब्लॉग से कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिला या फिर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।